नमस्कार, मैं हूं वात्सल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जे एन आई न्यूज। सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव के करीब आते ही हर पार्टी जनता की बीच जोड़ने के प्रयास में जुटी हुई है। इसी कड़ी में आज सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने विशाल जनसभा कर पिछली सपा सरकार की उपलब्धियों को लोगों के बीच में रखा। इस जनसभा में सपा के कद्दावर नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे पहुंचे। आपको बताते चले कि जिले के इटवा विधानसभा के बभनी में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में इस जनसभा में मंच से एक सुर में प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया और अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धि जनता के बीच में उन्होंने रखी। माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से क्या बात की, आइए देखते हैं आमीन फारूखी की ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर जो है विकास के मुद्दे से हटके हिंदुत्व के मुद्दे पे आ रही है। 2022 में सपा इससे कैसे निपटेगी? देखिए, यहाँ की जनता उनके अब इस हिंदुत्व के बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि जनता विकास चाहती है। जनता खुद उनसे बड़ी हिंदू है, उनके भाजपाइयों से ज्यादा बड़ी हिंदू है। वो हिंदुत्व पर अब नहीं जाएगी, वो विकास पर जाएगी। वो विकास केवल और केवल इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार ही करेगी। सपा इससे कैसे निपटने वाली है, सपा के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? हमारे मुद्दे विकास के हैं। हमने विकास किया, हमने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश की, वही हमारे मुद्दे। महंगाई है, बेरोजगारी है,